एक्चुअली टच द लेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, जैसा आपको मालूम है, इस वक्त मैं हूँ लद्दाख में और अभी इस वक्त है मैं लद्दाख के फ्यंग में और हम हैं हयाल में। तो आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं मिलने वाली हूँ श्री सोनम वांगचुक जी से। उनके बारे में मुझे परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी परिचित हैं उनसे। अभी हम मिलने वाले हैं श्री सोनम वांगचुक जी से और वो हमें पूरे हम सबको टूर करवाने वाले हैं उनके इंस्टीट्यूट का। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं। तो आज की वीडियो मैं क्या ही बताऊँ, आज मेरे साथ सामने ऐसे शख्स खड़े हैं जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, इनसे सभी आप लोग परिचित हैं। जी हाँ, हमारे साथ है श्री सोनम वांगचुक जी। मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी हमारे चैनल में। जी ले नमस्ते। मैं तो आपके वीडियोस देखता हूँ और करजा खुनू किन्नौर उसके बारे में मैंने आपके वीडियोस से देखा है और मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता था और आपको भगवान ने यहाँ भेज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं किन्नौर के ट्राइबल गर्ल को लद्दाख के ट्राइबल हाउस का एक टूर दूंगा, ठीक है। ट्राइबल हाउस क्यों कह रहा हूँ, ये घर मिट्टी का बना है। हाँ, ये जो दीवारें हैं ये बिल्कुल मिट्टी के, जैसे आपके वहाँ बनते होंगे कूट कूट के मिट्टी से बना है हजारों सालों से। मगर हम बहुत बार पुराने तरीकों को, जैसे मिट्टी की दीवार मिट्टी के घर है, उनको पुराना सोच के छोड़ देते हैं। ज़रूरत यह है कि जो पुराने में अच्छाई है उसको रखें और नया मॉडर्न हो तो मॉडर्न में जो अच्छाई है उसको लें, है ना। तो दोनों का एक मिश्रण भी तो बन सकता है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। तो ये दीवारें उस पुराने तरीके से हैं मगर फिर घर कमरे वगैरह सब मॉडर्न है। आप अगर दिखाएं तो इसके अंदर फिर आप कोई भी मॉडर्न तरीके से बना सकते हैं, सीटिंग हो, सोफाज हो, डाइनिंग हो। यहाँ पर जैसे सीटिंग है ये लो सीटिंग है, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, जो लद्दाख में जैसे लोग बैठना पसंद करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है हम बड़े कुर्सी पे भी बैठे हैं, इसका भी अपना मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। एक तरफ मिट्टी के दीवारें हैं मगर इस घर को तो गर्म भी रहना है ना सर्दियों में, तो हम यहाँ पर कोई बुखारी कोई आग नहीं जलाते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये सोलर हीटिंग सिस्टम। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये काली दीवार है, इसके अंदर पानी के बॉटल्स हैं, तो इससे जो सर्दियों में धूप आता है वो पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जज्ब हो जाता है और फिर वो गर्मी दिन की समात के रखता है और रात को फिर गर्मी देता है। तो इसलिए इस कमरे में +18 +20 तक रहता है। ये मॉडर्न है, ये शीशा मॉडर्न है, ये वॉल्स मॉडर्न है, साइंस मॉडर्न है, मगर तरीका हमारे पूर्वजों का है। तो मिट्टी के घर में साइंस का इस्तेमाल करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सा घर मिल सकता है। घर में बेडरूम हो या हम एक मिसाल बना रहे हैं कि होटल हो, गेस्ट हाउस हो, तो वो दिल्ली की तरह ज़रूरी नहीं है, लद्दाख के मिट्टी से बन सकता है मगर दिल्ली का कम्फर्ट भी हो। जैसे ये अटैच्ड टॉयलेट वाला कमरा है मगर इसका टॉयलेट बिल्कुल वो नहीं है जो आम होता है फ्लश करके पानी से। तो ये रूम मॉडर्न भी हो सकता है मगर दीवारें वही हैं जैसे मतलब हजारों साल पहले से लद्दाख में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, तिब्बत में और दुनिया के बहुत हिस्सों में होता था। उसी को हम सेलिब्रेट करें, अगर होटल हो तो इस तरह के बेडरूम बन सकते हैं, बुरा नहीं लगता, बल्कि बहुतों को बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ का लोकल टच है, तो 5 स्टार की तरह वो देखते हैं जिनको मतलब लोकल से प्यार है या इज्जत है। तो उसी तरह हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो लोकल टॉयलेट्स हैं वो तो घर के बाहर दूर रखना होता है, उसमें से स्मेल आएगा क्योंकि उसकी खूबियाँ बहुत है, उसमें से हमें फर्टिलाइजर मिलता है जो कि खेतों में जाए, पानी यूज नहीं होता है क्योंकि पानी क्यों वेस्ट करें। जबकि मॉडर्न टॉयलेट दिखने में बड़े मॉडर्न है मगर हर बार 5-10 लीटर पानी जाया करता है और वो हमारे काम भी नहीं आता है फिर मैन्योर बन के। अब लोकल टॉयलेट को मॉडर्न स्टाइल से बनाया, आइए आपको दिखाता हूं। तो एक तरफ तो ये शावर वगैरह है ना, जैसा किसी भी बाथरूम में शावर हो वो सब हो सकता है, फिर सिंक हो वो तो सब हमारे ट्रेडिशनल टॉयलेट में भी क्यों ना हम सारे फैसिलिटीज रखें। तो ये है हमारा टॉयलेट जो नॉर्मली एक पिट होगा ना, जिसमें फिर एक साल का जमा होगा फिर उसको निकालना पड़ेगा, इसमें हम बकेट्स रखते हैं
जो कि बंद करके रख दें तो वो खुद ही कंपोस्ट होके सड़ के मेन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो दिखने में बहुत मॉडर्न हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बुरा ही दिखे। तो ये जैसा मॉडर्न टॉयलेट दिखता है वैसा ही है, बल्कि इसमें खाद तुरंत बनता है। जैसे जो मूत्र मल मूत्र कहते हैं ना, यहाँ से पेशाब जाता है, यूरिन सेपरेटेड टॉयलेट है, तो आगे का जो है वो यूरिन को बाहर पाइप से ले जाता है। और ह्यूमन यूरिन जो इंसान का पेशाब है, वो सबसे अच्छा एक तुरंत मिलने वाला खाद है। हाँ, उसमें पानी मिलाएं 19 और यूरिन 1, तो बहुत अच्छा, आपको फिर खरीदना नहीं पड़ेगा ये यूरिया वगैरह वगैरह। टॉयलेट के साथ फ्लश करते हैं, बकेट्स बाल्टियां पानी के बहा देते हैं, वो नहीं करते हैं हम अपने पूर्वजों ने जो सिखाया है कि इसमें हम मिट्टी या बुरेदा डालते हैं, तो ऐसा ही है। इसमें जैसे पानी का फ्लश नहीं करेंगे आप, बुरेदे का फ्लश करेंगे। जब आप यूज करेंगे तो इस तरह से आप बुरेदा बुरेदा लगाएंगे, तो यकीन मानिएगा इस तरह से जब बुरेदे से आप ढक देंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा। और एक हफ्ता दो हफ्ता में जब ये भर जाएगा तो आप ये बकेट यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल के उसका ढक्कन लगा के उसको एक जगह पे, एक चैम्बर जहाँ गर्मी रहती है उसमें रख दीजिए, तो वो 6 महीने के बाद खाद का एक बकेट बन जाएगा। उस तरह से आप अपनी खेती भी कर सकते हैं, कहीं प्रदूषण भी नहीं है। ये जो पानी मल है ना, वो जमीन में जाके पानी को प्रदूषित करते हैं, तो यहाँ तो सब खेतों में जाके और भी फूल उगाते हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ में रह रहे हैं, वहां पे भी आप कंक्रीट की बिल्डिंग में रह रहे हैं, और अगर आप हिमाचल में आके भी कंक्रीट की बिल्डिंग में रह रहे हैं, तो मतलब उसका है कि आपको ना कल्चर देखने को मिलेगा ना ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। तो मुझे खुद को भी सर ये लगता है कि जितने भी हमारे होम स्टेज अगर हम बनाते हैं, तो अगर जैसा आपने सर एक मतलब मिसाल के तौर पे अपना घर हमें टूर करवाया कि किस तरह से हम कल्चर और ट्रेडिशन दोनों को लेके हम एक जैसे आरामदायक एक बेडरूम बना सकते हैं, उसी तरह अगर हम सब भी क्यों ना कोशिश करें तो सर हम अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं सर। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि जो टूरिस्ट आते हैं, खासकर जो सुलझे हुए हैं, जिनको समझ है, वो दिल्ली या मुंबई या न्यूयॉर्क में जिस घर में रहते हैं वो देखने के लिए लद्दाख या लाहौल या किन्नौर नहीं आएंगे। वो यहाँ के स्थानीय संस्कृति, सभ्यता, घर, रहन सहन वो देखने आएंगे, है ना। और खासकर मिट्टी के जो घर हैं वो तो उनके आंखों में तारे चमकते हैं, खासकर अमेरिका में। मैं जब अमेरिका में गया था तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर अमीर लोग किस में रहते हैं और गरीब लोग किस में रहते हैं, तो वो बोलने लगे अमीर लोग तो नहीं, जो अमीरों में अमीर हैं वो मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ इतना उसको फैशनेबल माना जाता है कि मिट्टी के घर जिसपे बहुत हाथ का काम लगता है वो तो अमीर भी नहीं खरीद पाते हैं, अमीरों में अमीर। बाकी जो सबसे गरीब हैं वो सीमेंट के घरों में रहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, हमें लाहौल, किन्नौर और लद्दाख में सीमेंट के घर बना के फिर गरीब क्यों बने, जब हमारा इतना अमीर परंपरा है, रिच ट्रेडिशन है, तो उसी को क्यों ना दिखाएं। तो ये एक क्या कहेंगे, मिथ है, एक भ्रम है कि टूरिस्ट को तो वो सीमेंट के घर पसंद आते होंगे। नहीं, टूरिस्ट को नयापन पसंद है, वो कुछ नया देखने आए हैं। उनके लिए आपका पुराना नया है, आपका पुराना उनके लिए नया है, वो देखने आए हैं। बेशक आप पुराने में नयापन लाइए, जैसे हमने किया है, तो ये दीवारें बहुत उबड़ खाबड़ होती हैं तो हमने बहुत स्मूथ इसे प्लेन बनाया है, और ठंडे होते हैं तो हमने सोलर हीटिंग से इसे गर्म बनाया है। तो अब कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, मगर टॉयलेट आपका 1 किलोमीटर दूर होता है, हम नहीं बैठ सकते, तो हमने अटैच बनाया है। फिर भी ये वही गुणवत्ता या क्वालिटी रखते हैं जो पुराने में है। इससे आपको मल मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है, पानी यूज नहीं होता है। इसको देखने तो कोई भी न्यूयॉर्क से आपके यहाँ आएगा। सर जैसे हम रहन सहन की बात कर रहे हैं, उसी तरह हमारा खान पान भी है सर। अब जैसे अगर हम लद्दाख के ट्रेडिशनल घर में रह के पिज्जा खा रहे हैं तो सर वो तो कोई सेंस नहीं बनता ना सर। लोग जैसे अगर हम सत्तू संपा संपा अगर हम परोसे उन्हें तो सर वो ज्यादा मतलब उसको चाहेंगे, और हमारे कल्चर ट्रेडिशनल फूड जो है उसके बारे में सर करीब से जानेंगे सर। बिल्कुल, और ये ज्यादा पौष्टिक भी है। सत्तू तो एक तरह का सुपर फूड है, जिसके पावर से हमारे
ट्रेडर्स जो है यहाँ से स्पीति तक yes, चल पड़ते थे. इंस्टेंट yes, फूड है, 2 मिनट में आप उसका चाशूल yes, बना के खुलाक बना के yes, खा सर. ये तो जादू ही है, इसे देखने yes, के लिए लोग आएंगे. yes, तो ये नहीं सोचिएगा कि हम जो खा रहे हैं वो क्या दिखाना, yes, हम तो sir, चावल खाएंगे yes, वो दिखाएं, वो तो आप वही दे रहे हैं जो वो रोज खाते हैं, तो वो देखने के लिए वो खाने के लिए यहाँ क्यों आए. बहुत अच्छा लगा. आप ठीक है, आप इस तरह से अपने माध्यम से अपने इलाके में कैसी उन्नति हो, कैसा विकास हो, उस पे असर डालें, तो आपके यूट्यूबर होने का एक नया आयाम. यस सर, मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी जैसे यूट्यूबर्स हैं अगर लद्दाख घूमने आते हैं सर, मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ एक प्लेसेस हैं जो उसी को ही फोकस करते हैं, जैसे सर पैंगोंग है, तो मतलब सब पूरा क्राउड वहीं भागता है. जैसे अभी मैं रिसेंटली लिक्से गांव में गई थी सर, वहाँ पे जाके एक अलग एक्सपीरियंस मिला मुझे, लद्दाख का कल्चर, लोगों से बात करने का मौका मिला, वहाँ की मतलब परंपरा के बारे में जानने का मौका मिला. तो ये चीज़ हमें खुद जानना बहुत ज़रूरी है सर. बिल्कुल, और ख़ास कर मैं कहूँगा लोग पांगोंग में जाते हैं, हर कोई पांगोंग में जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक फिल्म बनी थी थ्री इडियट्स, और थ्री इडियट्स क्या सिखाता है, भेड़ चाल में मत चलो, अपना अलग रास्ता निकालो, और भेड़ चाल में वही देखने जाते हैं. तो क्या सीखा थ्री इडियट्स से? सर वही बात है. ये भी एक सीखने की बात है कि हम भेड़ चाल नहीं करने का ही एक भेड़ चाल बना बैठे. तो ये किचन एरिया है, तो हम कह रहे हैं घर पारंपरिक है मगर उसमें जो जीवन शैली है आप आधुनिक भी रख सकते हैं. आपका फ्रिज हो सकता है, आपका ये आइलैंड टेबल है जो शायद दुनिया में और जगहों पे होता है वो हो सकता है, और अपने परंपरा को मिलाते हुए जैसे हम चांसा में कोई अलग ना रख के सब लोग मिल के खाना बनाते हैं, उसी को थोड़ा आधुनिकीकरण करके यहाँ सब लोग सब्जियाँ मिल के काट सकते हैं, यहाँ पे आप बर्तन थाली सब्जी धोएंगे धो सकते हैं, और फिर बाद में सब लोग मिल के इन कुर्सियों पे बैठ के खा सकते हैं, इधर पका सकती हैं, तो जो पकाने वाली हैं उनको किसी और कमरे में बंद होने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं बना रहे हैं सब लोग, यहीं बैठे हैं तो उसके साथ मिल के खा सकते हैं उधर भी. तो इस तरह से मतलब जो हमारा पुराना स्पिरिट है उसको नए में भी ला सकते हैं कि हम चांसा में सब मिल के बनाते हैं, मिल के खाते हैं, कोई कुक कोई खाने वाला अलग ना होके. तो उस तरह से ये किचन बनाया है जो कि ट्रेडिशनल भी है और बहुत मॉडर्न भी है. तो जैसे मॉडर्न कहें तो गैस स्टोव मॉडर्न है, जैसे फैसिलिटीज जो हैं वो मॉडर्न है, तो जितना चाहें आप मॉडर्न बनाना चाहें बनाइए, मगर इसका मतलब नहीं है कि पूरा जिसे कहते हैं ना ट्रांसप्लांट करें, यहाँ का पौधा वहाँ लगा दें, वहाँ का यहाँ लगा दें, अपने में ही रहते हुए उसे आधुनिक बना सकें. यस सर, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि सर ने मुझे पूरा अपने घर का टूर कराया जो कि बेहद ही सुंदर है, और साथ में ट्रेडिशन और जो मॉडर्निटी है दोनों मेंटेन किया है, और बहुत ही खूबसूरत घर है सर. धन्यवाद. ये बनाया है इसीलिए कि तो और गांव में भी इस तरह से थोड़ा एक मिसाल करके देखने का लोगों में होता है ना. yes, कहते हैं यहाँ पर हम चीजे लमान चीचुआल, तो सुन के नहीं देख के करो, जो कुछ नया दिखने को सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं ना, तो इसलिए किसी को एक बनाना पड़ेगा उसके बाद औरों के लिए आसान होता है. एप्पल सेब और खुबानी लगा रहे हैं. हाँ अभी ये घर ही नया है, ये पूरा नया है, मतलब 4 साल पहले अगर आप आते तो ये तो मार्स जैसा था. अभी भी थोड़ा मार्स ही लग रहा है, कोई खास वो नहीं है, मगर फिर भी यहाँ कुछ हम सेब लगा रहे हैं, वहाँ एक सेब का बगीचा है, आप देख रहे हैं छोटे बोने सेब, डॉर्फ हाई डेंसिटी एप्पल ग्रीन हाउस है, उधर हमारा एकेडमिक एडमिन बिल्डिंग बन रहा है, वो इस तरफ से देखें तो बहुत ट्रेडिशनल है, देख रहे हैं पुराने पैलेस की तरह है, छोटे छोटे खिड़कियाँ, वो उत्तर का दिशा है क्योंकि वहाँ से धूप नहीं आता, मगर उस तरफ से देखें तो शीशा ही शीशा है क्योंकि साउथ है वो दक्षिण दिशा, तो वहाँ से धूप आए तो उस बिल्डिंग में भी कोई गर्मी का कुछ भी जलाया नहीं जाएगा, सिर्फ धूप से वो चलेगा उस तरह का. सिर्फ यहाँ पर पानी का क्या सोर्स है सर? हाँ यहाँ पानी की बहुत कमी है, अभी तो हमें हम बोरवेल से कर रहे हैं, मगर आगे हमारा उम्मीद है कि हम बर्फ के पानी को सर्दियों में जमाएं यहाँ पर
और फिर उससे हिमस्तूप या आइसतूपा से वो कर पाएं, मगर अभी गांव में थोड़ा वो सिस्टम नहीं बना है कि कैसे हम पानी सर्दियों में लें और उसको, तो आगे जाके उस तरह से इसके पानी का प्रबंध होगा। धन्यवाद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं सर से मिलूंगी, बट आज मैं सर से मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था, मैं ये सोचता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब हमारे बच्चों के टाइम को जैसे एब्जॉर्ब कर लेता है, लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह बहुत काम के भी हो सकते हैं, तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कम और नेगेटिव ज़्यादा फैल रहा है। अगर हम देखें गौर से तो यूट्यूब को यूज़ करके हम पहाड़ों में जो छोटे छोटे कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपके किन्नौर में ऐसे भाषाएं हैं जो 2000 लोग बोलते हैं, 5000 लोग बोलते हैं, या 15-20 हज़ार, और जो भाषाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं उनको हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं ये चाहता था कि हिमाचल में जो लद्दाख के पास ही है और लद्दाख में भी ऐसे समुदायों से, ऐसे गांव से जहाँ की भाषाएं एंडेंजर्ड कहते हैं ना, एंडेंजर्ड है, आप तो बोल लेते हैं मगर आपके अगले जनरेशन के लोग बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे यूट्यूबर्स कंटेंट बनाएं, हाँ उसमें कंटेंट बनाएं तो आपके व्यूवर्स उतने नहीं होंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो उसके लिए मैं एक ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहता था जिससे कि ऐसे यूट्यूबर्स को सपोर्ट मिले, हाँ फाइनेंशियल हो या ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, हम ट्रेन करें अपने अपने भाषा में अपने अपने इलाकों से और फिर वो अपनी भाषा में बनाएं जिसको कि बड़े बूढ़े भी देखें तो वो खुश हों कि इस भाषा में आजकल कोई नहीं बोलता है मगर ये यंग गर्ल अपनी भाषा में बना रहे, और छोटों को वो दिखा सकें ये है हमारी भाषा, इस तरह से भाषाएँ बच पाएँ। तो मैं चाहता हूँ कि किन्नौर लाहौल स्पीति जो ट्राइबल बेल्ट है, अगर हम यूट्यूबर्स का एक क्या कहेंगे एसोसिएशन बनाएं और फिर मीनिंगफुल कंटेंट कल्चरल लिंग्विस्टिक प्रमोशन के लिए बनाएं, और लद्दाख में भी ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव हैं समुदाय हैं उनके साथ भी ऐसा वर्कशॉप ऐसा एक प्रोजेक्ट कैसा रहेगा आपके ख्याल से? सर बहुत बढ़िया बात की आपने और बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मैं अब मतलब देख रही हूँ कि यहाँ पे होने वाला है। जैसे आप बता रहे हैं कि अपने अपने लैंग्वेज जो हमारी बहुत ही इंडेंजर्ड है, जैसे हम किन्नौर की बात कर ले, काफ़ी कम बच्चे हैं, काफ़ी कम लोग हैं जो इवन आजकल की जो जनरेशन है बहुत कम अपनी बोली में बात करना बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश ज़्यादा चलती है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि साथ में मिलकर हम सब अगर एक कम्युनिटी बनाएं और अपनी लैंग्वेज में अगर हम वीडियोस बनाएं और हमारे लीडर देख सकें, बच्चे देख सकें, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा सर। हम यहाँ लद्दाख में बोलते हैं कि आप ABC सीखिए, हाँ जी सर, आप हिंदी के काखा आप सीखिए मगर अपनी भाषा को ना भूलिए, तो वो स्पिरिट में हम अपनी भाषाओं को अगर जिंदा रख सकें। और ये तो हुई बात लद्दाख और किन्नौर जो कि हमारे सीमा पर है, बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो ऐसे स्मॉल ट्राइब्स स्मॉल कम्युनिटीज़ कैसे अपने भाषा को बढ़ाएं। वैसे ही आपके जो दर्शक हैं वो भी बहुत ऐसे जगहों से होंगे, नॉर्थ ईस्ट से होंगे या भारत के जैसे मध्य भारत से हैं, तो वहाँ भी बहुत से ट्राइब्स हैं, बहुत से भाषाएं हैं जो लुप्त हो रही हैं मर रही हैं, वो इस एग्जाम्पल को देख के अपने अपने जगह में कर सकते हैं, तो हम शुरू करके देखते हैं, फिर इसका मिसाल शायद और छोटे समुदायों में भी फैल सकता है। जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, जितने भी किन्नौर के यूट्यूबर्स हैं, सबसे पहले तो ये है कि हमें करना होगा, हमें साथ में मिलके एक कम्युनिटी बनानी होगी, जैसा सर ने बताया, वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं हम, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अपनी लैंग्वेज में ही अगर हम वीडियोज़ बनाएँ तो वो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा हमारे लैंग्वेज को बचाने के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक जैसा मैं शुरू में भी बोल रहा था, एक समस्या ये आएगी जब आप एक यूट्यूबर हैं और इंग्लिश या हिंदी में बनाते हैं तो व्यूअर्स बहुत हैं तो इनकम भी थोड़ा डिसेंट आएगा, अब आप अपने अपने छोटी भाषाओं में बनाएं तो उतना इनकम नहीं होगा, व्यूअर्स भी नहीं होंगे, तो इसके लिए ये फाउंडेशन जैसे कलरफुल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड बोलिए या कुछ भी उस तरह का एक फाउंडेशन हो,
फिर वो उन यूट्यूबर्स को सपोर्ट कर सके थोड़ा सा उसमें उनकी इनकम बढ़ाकर। हाँ yes, तो उसमें आप में से जो किसी छोटे समुदाय से नहीं हो, किसी ट्राइबल लुप्त होते हुए भाषा बोलने वाले नहीं हो, मगर आपके पास साधन हो, तो ऐसे फाउंडेशंस में आप सपोर्ट करके लद्दाख से लेके नॉर्थ ईस्ट तक हेल्प कर सकते हैं। ऐसे जो दुनिया में रंग बिरंगे संस्कृति हैं, भाषाएं हैं, उनको जिंदा रखने में, तो सबसे पहला तो मैं खुद उसमें योगदान करना चाहूँगा इस फाउंडेशन में। और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग ऐसे एक्सरसाइज को, ऐसे एक अभियान को साथ देना चाहेंगे, मदद करना चाहेंगे। आप कदम बढ़ाइए तो मदद करने वाले बहुत आएंगे। हाँ जी सर, तो हमारी पूरी उम्मीद है आप ऐसा कुछ अपने एरिया में जरूर करें। सर जरूर, हम कोशिश करेंगे, हम सब यूट्यूबर्स जितने भी हैं, कि मतलब अपनी भाषा में वीडियोस बनाएं, या फिर अगर ऐसा होता है कि हम अपनी भाषा में वीडियोस बनाते तो काफ़ी कम लोग व्यूज, मतलब जैसा आपने बताया, अगर हम अपनी वीडियोस में सबटाइटल्स के जरिए समझाने की कोशिश करें जनता को, तो ज़रूर वो और आगे, मतलब हमारे को और ज़्यादा आगे बढ़ावा मिलेगा। अगर हिंदी इंग्लिश में आप सबटाइटल रखते हैं तो दुनिया भी समझ सकते हैं, मगर भाषा अपनी हो तो बड़े बूढ़े छोटे सब समझ सकते हैं। और फिर आपके कंटेंट भी गांव के किसी मेले के बारे में, किसी मंदिर के बारे में, किसी बहुत ऐतिहासिक कोई रास्ता हो, और फिर धीरे धीरे आपका एक समुदाय बने, अगर यूट्यूबर्स का एक समुदाय बने, तो आप एक दूसरे के गांव में एक दूसरे की संस्कृति को आपस में शेयर कर सकते हैं। हमें नहीं ज़रूरत है कि सिर्फ लंदन या न्यूयॉर्क को सुनाएं या उनका ही देखें, हम अपने लोकल कल्चरल प्रमोशन बहुत कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, ये हमारा एक शुरुआत हुआ। थैंक यू सो मच सर, हम साथ में कोशिश करेंगे, और सर ने मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो सर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने मतलब एक विजन होता है एक, मतलब किसी भी काम करने के पीछे, मुझे खुद को लगता था कि यूट्यूब के ज़रिए किस तरह से मैं अपनी संस्कृति को थोड़ा मतलब डॉक्यूमेंट कर सकूँ, बचा सकूँ, पर सर ने आज मुझे एक विजन दिया है कि किस तरह से हम मतलब हमारा इफेक्ट भी नहीं होगा और हम मतलब और आगे अच्छा कर सकते हैं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत 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 खुशी हुई, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच सर।